नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं तनय और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एम्प्टी एटम हेलमेट। सो बेसिकली एम्प्टी एटम एक मॉड्यूलर हेलमेट है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स है अंडर 10,000 बजट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने मिले। तो स्टार्ट करते हैं हेलमेट के फ्रंट से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिन के यहाँ पे आपका एयर वेंट दिया गया है जिसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। जब आप इसको नीचे कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से एयर इन चली जाएगी और वाइजर के यहाँ से एयर आउट आ जाएगी। तो बेसिकली ये आपके वाइजर पे फॉगिंग को प्रिवेंट करेगा। उसी के बाद यहाँ ऊपर सेंटर में हमको एम्प्टी की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड उसके ऊपर यहाँ पे आ जाता है एक वेंट। तो ये वेंट से बेसिकली एयर आपकी इन चली जाएगी। इसको भी आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं एंड यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो एक और वेंट दिया गया है जिसको आप ओपन रखेंगे तो यहाँ से आपकी जो गर्म हवा है वो एग्जिट हो जाएगी। एम्प्टी का एटम हेलमेट है डॉट और ईसी सर्टिफाइड। तो डॉट बेसिकली यूएस का सर्टिफिकेशन है और ईसी आपका यूरोपियन सर्टिफिकेशन है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड का बेस्ट और सेफेस्ट सर्टिफिकेशंस है। उसी के बाद जब आप हेलमेट के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइज का स्टिकर मिल जाएगा और उसी के साथ आपको इसका वेट जो है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि है 1700 ग्राम्स। तो ये हेलमेट स्लाइटली हैवी है फ्रॉम द नॉर्मल हेलमेट्स जो हम यूज़ करते हैं और उसका रीज़न है क्योंकि ये मॉड्यूलर हेलमेट है। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है चिन के यहाँ पे जिसको आप प्रेस करते हो तो ये ओपन हो जाता है एंड देन आप इसको ओपन फेस हेलमेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हेलमेट ओपन करने के बाद अगर आपको सनग्लासेस डाउन करना है तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का नॉब दिया गया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपके हो गए सनग्लासेस डाउन एंड आप ओपन करके भी इसको हेलमेट को यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर सेफ्टी reasons आपको हेलमेट को फुल फेस बना के ही यूज़ करना चाहिए। बेसिकली आपको इसको चिन के यहाँ पे दबा के फुल डाउन करके फिर ही इसको यूज़ करना चाहिए वाइल्ड राइडिंग। जब आप कहीं पे रुके हैं, कहीं पे आपको पानी पीना है या ऐसा कुछ काम है तभी आप इसको ओपन कीजिए और तब आप अपना कन्वर्जेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी के बाद अगर आपको सनग्लासेस ऊपर करना है तो यहाँ पे एक नॉब है, इसको आप दबा देंगे तो आपका सनग्लासेस ईजीली ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास जो मॉडल है ये आपको वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। और भी कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं एम्प्टी के हेलमेट में, थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस है एम्प्टी के एटम सीरीज़ में, बट आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलमेट के साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमको क्विक रिलीज वाइजर मैकेनिज्म मिलता है। तो जब आप ये बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वाइजर आउट आ जाएगा, देन आप वाइजर को क्लीन करके वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। एम्प्टी के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें मिरर वाइजर आता है, रेनबो वाइजर आता है, ऑल्सो आपको डे एंड नाइट जो येल्लो वाइजर आता है वो भी आपको एम्प्टी का मिल जाएगा। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप वाइजर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको डे एंड नाइट बोथ में यूज़ करना है तो क्लियर वाइजर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एम्प्टी एटम के जो वाइजर्स है वो लगभग आपको 1000 से 1500 के रेंज के बिटवीन आपको मिल जाएंगे। इसमें पिनलॉक वाइजर पहले से इंस्टॉल्ड नहीं आता है, तो अगर आपको पिनलॉक वाइजर चाहिए तो अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसका प्राइस लगभग 1700 से 1800 रुपये के आसपास है। सो आई एम श्योर गाइज, आपको ये हेलमेट काफ़ी कमाल का लगा होगा। आपके क्या ओपिनियंस है नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एम्प्टी का जो ये हेलमेट है, एम्प्टी एटम मॉड्यूलर हेलमेट, ये बहुत हाई डिमांड में रहता है फॉर दी टूरिंग राइडर्स। जो लंबा लंबा राइड करते हैं, लंबे टूर्स पे जाते हैं, उनको ये हेलमेट बहुत पसंद आता है बिकॉज इसमें फ्लिप अप का ऑप्शन है। तो जब आप रुके हैं, अगर आपको चाय पीनी है या आपको जस्ट पानी पीना है तो आप इजीली फ्लिप अप कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं एंड अपनी राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन अगर आपको किसी से बात करना है तभी भी आप फ्लिप अप कर सकते हैं, थोड़ा एयर वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है उस समय एंड देन आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये हेलमेट पहन के दिखाता हूँ। तो अब मैंने हेलमेट पहन लिया है एंड थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, वेट फील हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा मैकेनिज्म रहता है तो थोड़ा वेट तो ज़्यादा रहेगा ही। एंड इसको आप डाउन कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से एंड आप
एंड देन ये बन जाता है एक फुल फेस हेलमेट। तो यहाँ पे चिन के यहाँ पे बटन दिया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा मॉड्यूलर हेलमेट। एंड यहाँ पे आपका जो नॉब है इससे आप सनग्लासेस डाउन कर सकते हैं और ये अब चला गया। तो अगर आपको स्पेक्टेकल्स है या सनग्लासेस पहनना है तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करने में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि हेलमेट ने पूरी तरीके से मुझे पकड़ लिया है एंड काफ़ी अच्छी और स्नग फिटिंग है। तो पहनने में हेलमेट काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्ट फील होता है क्योंकि इसकी जो पैडिंग है एकदम बेहतरीन क्वालिटी की पैडिंग दी गई है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। जो हेलमेट का वेट है वो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है बिकॉज इसमें इतने सारे फीचर्स है और इसमें इतने सारे मैकेनिज्म दिए हुए हैं। सनग्लासेस या स्पेक्टेकल्स आपको है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली चला जाएगा। एंड आपने जो इसका फीचर देखा फ्लिप अप करने का वो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कहीं पे भी रुके हैं तो हम इजीली बात कर सकते हैं एंड अपना काम करके वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए एक बिग थम्स अप। तो आई एम श्योर गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जल्दी ही आएंगे। सी यू सून गाइज़।